मोदी के जेम्स बॉन्ड दुनिया बचाने निकले। आज अजीत डोभाल बोलेंगे, दुनिया सुनेगी। डोभाल दुनिया को बहुत बड़े खतरे से बचाने का प्लान बताएंगे। अजीत डोभाल एशिया को मोदी प्लान से देंगे सुरक्षा कवच। अजीत डोभाल जब बोलते हैं तो दुनिया उनके प्लान को ठहर कर सुनने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि डोभाल के दिमाग में हमेशा कुछ अलग हटकर होता है। अजीत डोभाल दुनिया के सामने आने वाले खतरे को पहले ही भांप जाते हैं, इसलिए आज वो फिर बोलेंगे और दुनिया के कई मुल्क उन्हें सुनेंगे। तारीख 10 नवंबर 2021, 7 देश, मुद्दा 1, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान अफगान में आई नई मुसीबत का तोड़ क्या है? ये सारे देश आज सिर्फ भारत की सुनने वाले हैं। दरअसल क्षेत्रीय सुरक्षा के हालातों पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक से पहले अजीत डोभाल ने अपने समकक्षों के साथ मीटिंग की। बैठक में अफगान को लेकर चर्चा हुई। तजाकिस्तान के एनएसए ने अफगान के हालातों पर चिंता जताई है। इंसानों पर आई मुसीबत, उनकी रक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। चीन इस बैठक में शामिल नहीं होगा। अफगानी जमीन पर आई नई मुसीबत से चीन ने दोस्ती कर ली है, उसे फंडिंग भी कर रहा है। फिलहाल इन 7 देशों ने एक दूसरे की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हामी भर दी है। इन 7 देशों में रूस जैसा सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर मुल्क भी शामिल है। 10 नवंबर को डोभाल दुनिया के सामने एक ठोस एक्शन प्लान रखने वाले हैं। अमेरिका जैसे देश ने जब अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया तो ऐसे में दुनिया उसकी कैसे मदद कर सकती है और वहां रह रहे लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है? डोभाल कोई भी जंग दिमाग से जीतते हैं, उन्हें गोले बारूद या तोप की जरूरत नहीं होती। अब की बार जब डोभाल ने अपना प्लान बताया तो दुनिया के ये 7 मुल्क फौरन उस पर अमल करने को तैयार हो गए। अजीत डोभाल अफगान में रचनात्मक भूमिका निभाने की सभी देशों से अपील की। ये 7 देश अफगान लोगों तक निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने पर राजी हैं। जैसे भारत पड़ोसी देश की भूमिका निभा रहा है, वैसे ही ये 7 देश भी अफगान के पड़ोसी होने की भूमिका निभाएंगे। भारत, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, यानी कुल मिलाकर 8 देशों की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान में मौजूद शरारती ताकतों की जबरदस्त घेराबंदी कर दी है अजीत डोभाल ने। भारत का हमेशा नारा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक परिवार है, और इसी नारे पर चलते हुए दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान के नाम से ये मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चीन और पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया, लेकिन दोनों ही देशों ने अलग अलग वजह बताकर इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि अफगान पर चर्चा से ये दोनों ही देश भाग रहे हैं और वहां मौजूद अपने चहेते उपद्रवियों को बचा रहे हैं। वैसे जिस वक्त ये बैठक हो रही है उस वक्त भारत के भीतर अजीत डोभाल को लेकर एक और बड़ी खबर आई। खबर थी कि अजीत डोभाल को ट्विटर पर फॉलो करने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय ने कही है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने कहा, अजीत डोभाल का ट्विटर पर कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। अजीत डोभाल के नाम से ये अलग अलग अकाउंट फॉलो करने वाले लोग सावधान रहें। इस ट्वीट को आप भी गौर से पढ़िए जो आपको भी सावधान कर रही है। वैसे एक बात तो तय है कि दुनिया ने फिर से भारतीय जेम्स बॉन्ड का लोहा मान लिया है, इसलिए डोभाल को सुनने के लिए रूस जैसा देश भी उतावला है।